तो दोस्तों आज मैं दिन को आया था और हमारे खरगोशों को मैंने डाइट वगैरह दे दी थी और अभी शाम का टाइम है तो अभी इनको थोड़ी देर बाहर निकालते हैं क्योंकि हवा बहुत ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा लग रही है, तो इनको थोड़ी देर हवा में बाहर निकाल देते हैं और फिर शाम को इनको बंद कर देंगे हम। आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज जो है मैं बाहर जा रहा था तो मुझे रास्ते में ये खीरे मिल गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे खरगोशों के लिए खीरे ले जाएं और उनको खिला दें, वो भी बेचारे घास खा खा के बोर हो चुके होंगे। तो आ जाओ भाई मेरे हाथ से खाओ खाओ, ये लो भाई खाओ 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 खाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई देखे कितने शौक से खा रहे हैं क्योंकि इनको ये जो है घास खा खा के बोर हो चुके थे और मेरा आइडिया जो है सही काम कर रहा है कि इनके लिए कोई नई चीज़ ले जाते हैं और इनको खिलाते हैं। ये लो भाई आ जाओ, और ये लो छोटू बेबी ये लो खाओ। माशाल्लाह ये लो तुम ये लो, ये लो भाई ये लो ये लो ये लो तुम ये खाओ, ये खाओ इधर, हाँ ये खाओ। ओए ओए कहाँ जा रहे हो, ये खाओ ये लो। और दोस्तों इनको खीरे खिलाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि हमारा वहाँ जो हमने दरवाजे के पीछे एक खरगोश बिछा के रखा था उसको हमने आज दिन को तो डाइट दी थी लेकिन अभी कुछ नहीं खिलाया है, तो उसको भी हम खिला देते हैं। आ जाओ भाई कहाँ गए छोटू बेबी, ये रहा आ जाओ आपके लिए मैं एक नई चीज़ ले आया हूँ, ये लो ये खाओ। हाँ भाई तो ये भी भाई माशाल्लाह ये भी शौक से खा रहा है, इसके लिए भी एक दो दाने रख देते हैं। ये लो भाई एक और ये। और अब चलते हैं और हमारे जो कमरे में पेट्स बैठे हुए हैं जो मुर्गे और खरगोश उनको भी खीरे खिला देते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। ये सारे जो है मेरे इंतजार में थे और मैं जैसे ही आगे पीछे जा रहा हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनको अब खाना मिलने वाला है। जाओ ये लो ये लो मेरी प्यारी खरगोश, नहीं ये लो। और भाई मुझे लग रहा है कि हमारी ये जो खरगोश है ये पेट से है और एक दो दिन में जो है बच्चे देने वाली है, तो भाई अल्लाह खैर करे अल्लाह करे हमारे खरगोश के बच्चे बच जाएं इस बार क्योंकि वो जो पुराने जो थे वो सारे भाई मर चुके हैं। ये लो भाई छोटू ये लो। यार हमारे ये जो मुर्गी है ना वो बहुत तेज है, ये देखे भाई मतलब हमारे खरगोशों को खाना दिया है और ये देखे ये एक 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 जो है उसने ये पीस उठा लिया है और बाकी सारे जो हैं इसके पीछे भाग रहे हैं। ये लो भाई ये लो बहुत पड़े हुए हैं, ये लो आ जाओ ये लो सारे मैंने गिरा दिया, वो उठाओ सारे एक एक। और दोस्तों जब तक हम जो है हमारे यहाँ पे हमारे पेट्स को जो है खाना दे रहे थे तब तक हमारे जो बच्ची थे वो बेचारे देख रहे हैं और इनको भी लग रहा है कि इनकी बारी आने वाली है, तो इनको भी जो है अभी हम थोड़े खीरे दे देते हैं। लो भाई हमारे बच्चीज़ के लिए भी जो है हमने यहाँ पे खीरे रख दिए हैं ताकि इनको जब भी भूख लगे तो ये भी यहाँ से खा लें। तो दोस्तों इन सबको हमने यहाँ पे खाना वगैरह खिला दिया है और इन सबको ये जो देखे हमने इन सबको खीरे आज खिलाए हैं, तो माशाल्लाह ये बहुत हमें खुश नज़र आ रहे हैं, हमारे खरगोश भी बहुत खुश हो गए हैं। तो इनको अब वापस यहाँ पे बंद कर देते हैं और हम चलते हैं बाहर। चलो भाई चलो 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 ये वाले अंदर ना आ जाए। और अब इनको भी जो है हम वापस बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्ली का खतरा होता है और किसी टाइम भी यहाँ पे बिल्ली आ सकती है, तो इनको वापस बंद कर देते हैं। चलो भाई अब अपने कमरे में चलो 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 सारे चलो इधर चलो आ जाओ। तो दोस्तों हमने हमारे इन जो रैबिट्स हैं इनको भी यहाँ पे वापस बंद कर दिया है और वो देखें माशाल्लाह हमारे रैबिट्स के बच्चे जो है अब चलने फिरने के काबिल भी हो गए हैं और अब हमसे इतना डरते भी नहीं हैं, तो माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात आ गई। एक तो यहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो अब इनको कर देते हैं हम यहाँ पे वापस से बंद। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एबी एनिमल लवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।